किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ जब तक हो ही नहीं सकता जब तक कि दीप जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे। मुझे लगता है कि इसको गति प्रदान करने का काम हमारे कृषि विभाग ने और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों किया है और उसका लाभ अब मैं समझ रहा हूं कि दिखाई पड़ रहा है। कई बार यहां चर्चा होती है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जनता की बात नहीं समझती। मुझे लगता है कि मुझे आज कहना पड़ेगा 70-72-75 साल की विरासत यहां यही थी कि जम्मू रीजन में हाई डेंसिटी प्लांटेशन अभी तक नहीं हो सकता था और अब लैंड लॉट में जो बदलाव हुआ है जम्मू के किसान भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं। ये सुविधा पहली बार यहां के लोगों को मिली। अभी नवीन चौधरी जी ने विस्तार से बताया एप्पल के अलावा बाकी किसी चीज का हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं हो सकता। अब उसका विस्तार किया गया है और उन्होंने विस्तार से बताया उसमें समय में नहीं कमाना चाहता। 4 कैनाल से कम अगर किसी किसान के पास जमीन है तो वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता। अब कोई भी किसान गरीब से गरीब किसान भी कर सकता है। मुझे लगता है ये बदलाव निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा में जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बागवानी का जो योगदान है 10% और अगर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों को हम जोड़ दें तो मोटे तौर पर 1/3 योगदान इसी का। हमारा कुछ निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले 2 सालों में इसको हम 50% अगर पहुंचा सकते हैं तो मैं समझता हूं किसान भी संपन्न होगा और जम्मू कश्मीर में भी विकास की बयार बढ़ेगी। अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं बाकी कामों की ओर आज जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मुख्य रूप से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस पर भी काफी जो प्रशासन की ओर से है और मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी को आपने इस दौरान सुना होगा तो बार बार एक बात कहते हैं कि कोरोना की दो वेव के बावजूद इस महामारी के बावजूद अगर भारत खड़ा है तो उसका श्रेय और किसी को नहीं देश के किसानों को है। और मैं ऐसे सभी किसान भाई बहनों का हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। प्री तथा पोस्ट हार्वेस्ट की सुविधाएं किसानों को मिले ये हम सबका प्राथमिक लक्ष्य है। किसी मित्र ने कहा एक सज्जन है जो अभी मिलना चाहते हैं, कार्यक्रम के बाद मैं उनसे बात करूंगा। मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पिछले दिनों भारत सरकार ने यहां के लिए घोषित किया, जब न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम घोषित हुई थी तो हमको भी लगता था कि 20-25 हजार करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, 5 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह की रुचि उद्योग जगत दिखा रहा मेरी चिंता बढ़ने लगी कि क्या उतनी जमीन हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अभी 3-4 दिन पूर्व इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि साहब अगर मैं बैठक शुरू करूं और तत्काल निपटारा शुरू करूं तो शायद 20 दिन में जमीन खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और रेवेन्यू सेक्रेटरी को मैंने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी जमीन का इंतजाम हम लोगों को करना चाहिए। इंडस्ट्री केवल इस बात की नहीं आई, इंडस्ट्री में आपकी भी चिंता की जाएगी। कोल्ड स्टोरेज की बात किसी ने उठाई, ड्राई पोर्ट बने, कोल्ड स्टोरेज बने, कोल्ड चेन बने, जहां हमारा कृषि विभाग और बागवानी विभाग उसके लिए सब्सिडी दे रहा है वहां देश और दुनिया की मानी जानी कंपनियां जम्मू कश्मीर में इस तरह की व्यवस्था भी सुनिश्चित रूप से करेंगी ताकि किसानों की आमदनी हम बढ़ा सके और निश्चित रूप से उनको पूरा लाभ मिल सके। अत्याधुनिक जो मशीनरी है
खेती के लिए जलापूर्ति के संसाधन है, ट्रेनिंग है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन एरिया के विस्तार के बारे में भी उन्होंने बताया कि 100 एकड़ जमीन में हरेशपुरा में नई नर्सरी बनाने का काम हम कर रहे हैं। और एक बड़ा पिछले दिनों एमओयू हमने साइन किया है नफेड के साथ। मोटे तौर पर पिछले 5-6 सालों में 300-400 हेक्टेयर हाई डेंसिटी प्लांटेशन हम कर पाए। अगले 4 सालों का लक्ष्य हमने रखा है 5500 हेक्टेयर। ये 5500 क्रॉस करेगा, 5500 से कम नहीं होगा। इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के हम सब चल रहे हैं। We'll be right back.